हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोस्लैम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय आप YouTube पर देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, YouTube वर्सेस TikTok, TikTok वर्सेस YouTube, कैरी मिनाटी ने ये किया, कैरी मिनाटी ने फलाना किया, ढिमका किया, लगातार इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही हैं। जब भी हम अपने यूट्यूब पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पर आपको यही सारी वीडियो दिखेंगी। चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, सभी इस गंगा में अपना हाथ धो लेना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि YouTube वर्सेस TikTok इतना ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है। तो बात दरअसल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे इंडिया के महान गालीबाज श्रीमान कैरी मिनाटी साहब ने टिकटॉकर को, यानी जो टिकटॉक पर एक बहुत बड़े स्टार हैं सिद्दीकी साहब, उनके लिए गालियों से नवाजा, उल्टी सीधी बातें कहीं। अब इसके जवाब में सिद्दीकी जी ने कुछ बोल दिया, यानी क्या बोला उन्होंने, बहुत ही शालीन भाषा में इनका जवाब दिया। लेकिन कैरी मिनाटी साहब तो इंडिया के सबसे बड़े गालीबाज हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उनकी जैसी नेचर है, कैरी मिनाटी साहब की जैसी नेचर है, आप जानते हो, गालियाँ, अश्लील बातें, ये सारी वो करते ही हैं। और इसी की वजह से वो इतने बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, हम सब उन्हें फॉलो करते हैं। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मज़ा आता है उनके वीडियोस देख के। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने उससे भी ज़्यादा गालियों से सिद्दीकी साहब को नवाजा है, और उनका वो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गया। इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो बन गया, सबसे ज़्यादा उस पर लाइक आए हैं और सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए थे। तो उनका वो वीडियो हो गया वायरल। अब वीडियो वायरल होने की वजह से क्या होता है, हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, सभी उसको ट्रेंड कर रहे हैं कि हमें भी व्यूज़ मिल जाएँ। ये सारा कुछ चल रहा है। ये हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद कोई ना कोई यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी होती रहती है, और इसी तरह से लोग व्यूज़ पाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो मज़ा आता है, आनंद आता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि लगातार बोर हो जाते हैं, तो बोरियत को दूर करने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। आप भी आनंद लीजिए। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आप भी एक वीडियो बना डालिए, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, कैरी मिनाटी का ये, कैरी मिनाटी का वो, आप भी वीडियो बना डालिए और आप भी मज़ा लीजिए, हो सकता है आपके भी व्यूज आ जाएं। तो अब न्यूज़ आ रही है कि कैरी मिनाटी साहब की वो वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली गलौज की थी, उस वीडियो को यूट्यूब ने फिलहाल के लिए हटा दिया है यूट्यूब से। लेकिन बहुत जल्दी ही वो वापस भी आ जाएगी, क्योंकि वो एक महान यूट्यूबर हैं। तो जो बड़ा है वो चाहे गाली दे, कुछ भी करे, उल्टा सीधा काम करे, लेकिन उसके लिए भैया सभी लोग पलक पांवड़े बिछाकर इंतज़ार करते हैं, चाहे वो YouTube हो। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें अगर जेल भी हो जाती है, जेल भी चले जाते हैं, तो जेल में भी आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, और जेल जाना भी उनके लिए सम्मान की बात होती है। तो यहाँ पर भैया जो गरीब है, कमज़ोर है, उसकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। वो तो बेचारा अगर छोटा सा भी कोई गलत काम कर देगा तो YouTube भी उसके लिए ऐसे पनिशमेंट देता है, ब्लॉक कर देता है चैनल, बहुत सारे काम वो करता है। लेकिन बड़े यूट्यूबर हैं हमारे कैरी मिनाटी साहब, बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनका वीडियो भी जल्दी ही वापस आ जाएगा। और जहाँ तक बात है टिकटॉकर्स की, तो मेरा ये मानना है चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है, वो पूरी मेहनत कर रहा है भैया, मेहनत के बल पर ही वो आगे बढ़ रहा है, तो पूरा सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। हाँ, अगर हंसी मजाक वाली बात है तो हंसी मजाक में थोड़ी बहुत गाली गलौज चलती है, लेकिन इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट आप भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर एक वीडियो बना डालिए और आनंद लीजिए आप भी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।